राहुल गांधी की लोकप्रियता देश की सरहद भी लांग चुकी है नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के बाद अब विदेशी नेता और उद्योगपति राहुल गांधी से करीबी बढ़ाने में जुटे हुए हैं राहुल गांधी के सितंबर में अमेरिका दौरे की खबरें तो पहले से ही आ रही थी और अब राहुल से दुनिया की टॉप कंपनियों में शामिल फोक्स के चेयरमैन यंग ल्यू ने मुलाकात की है तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं देखिए इस रिपोर्ट में होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की इस मुलाकात के दौरान राहुल ने उनसे भारत और विश्व में तकनीकी नवाचार के भविष्य पर चर्चा की इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स आरोप लिखा आज मुझे फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लू ऐसी मिलकर खुशी हुई भारत और दुनिया में तकनीकी नवाचार के भविष्य आरोप हमारी बातचीत दिलचस्प रही सही समर्थन के साथ भारत का तकनीकी उद्योग एक महत्वपूर्ण छलांग के लिए तैयार हो सकता है बता दें कि यंग लू को इस साल जनवरी में पद्म भूषण ऐसी सम्मानित किया गया था वैश्विक स्तर आरोप सत्तर आई फोन बनाती है देश में स्थानीय विनिर्माण की दिशा में भारी निवेश कर रही है इसके अलावा तमिलनाडु में फॉक्सकोन की आईफोन फैक्ट्री चालीस हजार ऐसी अधिक लोगों को रोजगार देती है और उसने राज्य में एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक इकाई में एक हजार छह सौ करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं जिससे 6000 नौकरियां पैदा होंगी वहीं फॉक्सकॉन चेयरमैन की राहुल गांधी से मुलाकात से एक बात साफ हो गई है कि पूरी दुनिया की नज़र अब राहुल गांधी पर है डीबी लाइव की रिपोर्ट